पता लगा सकते हैं भाई और क्या जानना चाहता है और क्या पूछना चाहता है। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि एक हमारी जेल में कैदी बंद था, वो अचानक हमारी जेल से फरार हो गया है, तो उसके भागने के पीछे का राज क्या है? त्रिकाल देव। त्रिकाल देव बालक, हम उस कैदी के विषय में अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलो क्या जानकारी चाहते हो। महारानी चमेली के गले में एक मायावी तिलस्मी ताबीज थी। अरे वो तो अब भी है। लाओ हम उस ताबीज को देखना चाहते हैं। महारानी, वो जो तुमको ताबीज ला करके दिया था, ये जादूगर देखना चाहते हैं, इनको ताबीज दिखा दो। अरे मंत्री, ये बात तो मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, वो ताबीज मेरे गले टूट कर न जाने कहां गिर गई। मैंने बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे मिली नहीं वो। हराम खोर ताबीज कहां पर गिरी तुझे मालूम नहीं हुआ है? अरे मुझे मालूम नहीं कहां गिर गई। महल के बाहर से नहीं गई हो? नहीं, मैं कहीं नहीं गई। तो हम महल के अंदर से ढूंढ करके लाते हैं उसे। बालक, अब वो ताबीज तुझे कभी नहीं हासिल होगी। क्यों? मैं बताता हूं कि वो ताबीज इस समय कहां पहुंच चुकी है। महारानी के गले से वो ताबीज टूटकर महारानी के शयन कक्ष में गिर जाती है, और उस कक्ष की सफाई करने के लिए तुम्हारे यहाँ एक श्याम कुमार नाम का लड़का है। वो कक्ष की सफाई करने के लिए आता है, उसकी नजर उस ताबीज पे पड़ती है और उस ताबीज को उठा लेता है। उस ताबीज का राज वो समझ नहीं पाता, तभी उस ताबीज को ले जाकर अपनी माँ सावरी को दे देता है। इसका मतलब कि वो सावरी श्याम कुमार की माँ है। हाँ, और जब वो ताबीज सावरी पा जाती है, तो वही ताबीज जेल में जाकर सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को दे देती है। वाह जादूगर वाह, पहली बात तो तुम्हारी सत्य निकल गई, लेकिन दूसरी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों शमशान घाट के मुर्दा खाने वाले ढोंगी हो। हराम खोरो, अगर वो कीमती ताबीज उस नौकरानी के हाथ में लग गई, तो बगैर पहचाने हुए व्यक्ति को जेल में जाके क्यों दे देगी? ढोंगी हम नहीं है मूर्ख हो तुम, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है सेनापति रणवीर प्रताप सिंह ही सावरी का पति है। और जब वो ताबीज पा जाता है, तो जेलर को बिहेश करके जेल से फरार हो जाता है। ये तो रही तुम्हारी बात, लेकिन हम जापान से यहाँ क्यों आए हैं ये भी जान लो। बोलो किस लिए आए हो? ये जो तुम्हारे यहाँ श्याम कुमार नाम का लड़का है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक इच्छाधारी नाग है। ये हमारा बहुत पुराना शत्रु है, अगले जन्म में वो मेरे हाथों से मारा गया था, ये उसका पुनः जन्म है, जो कि मनुष्य के रूप में तुम्हारे महलों में पड़ रहा है। जादूगर, अगर वो साला इच्छाधारी नाग है, तो आप अपनी बीन बजाए और उस इच्छाधारी नाग को पकड़ के अपने जापान लेकर के चले जाए। चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। बोलो। उसकी माँ सावरी के हाथों में हथकड़ी डालकर इस खंभे से बंधवा दो, लेके ताकि इस नागराज को हम अपने बस में कर सकें। और हाँ, एक बात ख्याल रहे, वो कोई मनुष्य नहीं, एक नाग है नाग, इसलिए हम उसे बुलाने जा रहे हैं। सब लोग होशियार रहना, क्योंकि किसी को भी हमला कर सकता है। ठीक है बाबा जी। त्रिकाल देव।
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नागराज अब पूरी तरह से हमारे तंत्र मंत्र में बन चुका है। जब तक हम नहीं चाहेंगे ये आजाद नहीं होगा। हम बीन बजाएंगे और हमारी बीन की आवाज सुनकर ये नागराज हमारे पीछे पीछे खुद ब खुद आएगा। गायत्री काल देव को लड़का बच्चा पैदा करत है या नाग पैदा करत है। ले साली को जेल में डाल दे। बहुत खतरनाक नाग। पहले बता कि जब वो सारा इच्छाधारी नाग मुझे डस लिया तो तुम वहां दुम दबा के क्यों खड़ी थी? अरे खड़ी क्यों ना जाऊ, जब तुम्हें डस लिया ना और सुबह जब मुझे डस लिया ना तो मैं बिल्कुल चकरी नाचने लगी ना। हम तो समझ रहे थे कि सारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे ये तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन ये तो कहो कि अपनी जान बच गई है। चलो कोई बात, लेकिन खोपड़ी हम तो उसी खोपड़ी की वजह तो तेरी जान बची, हमारी लोगों की जान बची। अरे जान बचे का कहा तो हम पहले देख ले तो का टच न करी थी। क्या हुआ? अरे ये घोड़ी सघोड़ी आई और गंदगी सब लगी सब जो है मंत्र जगावे में रहे वही में चट्टी लाग रही है। क्या जी? चट्टी लाग रही वही खोपड़ी में गुलाम लागी आपके लागी। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि साला बड़ी देर से बदबू क्या मार रहा है। बदलू मार रहा है कि बदबू मार रहा है। महारानी जी आप पहले स्नान करो और उसके बाद उस नौकरानी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाते हैं। अपने सरदार जी का आने का समय हो गया है, ऑनलाइन से लग जाइए। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है। वामन और नागन चमेली है, और जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो, और क्या करना है और कहां चलना है मैं बताता हूं।
चमेली का आओ हमारे साथ फांसी पर चढ़ाया जाएगा क्योंकि ये औरत एक जहरीली नागर है, ये साली इच्छाधारी नाग पैदा किया है, इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ। मंत्री जी, अरे अगर मारना चाहते तो जान से मार दे, इतना टकरा टकरा तो मारने का अच्छा नहीं लगता। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे मार दो, लेकिन मुझे तड़पा मत। इतनी जल्दी कोई मरने के लिए तैयार रहता है? इतनी जल्दी कोई मरने के लिए तैयार रहता है? ये जीवन कितना बड़ा अमूल्य है यार, लगा इसके गले में फांसी का फंदा लगा। मंत्री जी, फांसी हमने कितने समय बाकी है? अभी तो 10 मिनट का समय बाकी है। तो 10 मिनट काम और करो, 10 मिनट में इसकी इज्जत लूट लो, इसकी जवानी का रस चूस लो। चमेली रानी, अभी हम इसकी जद लूटेंगे और तुम यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा देखोगी तो कल मुझसे भी नाराज हो जाओगी। अरे सिर्फ 5 मिनट के लिए रहेगी, इसमें नाराजी क्या बात होगी? सॉरी, महारानी यहाँ की है, इनका हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। इनका हुक्म बजाना पड़ेगा।
जानना चाहता कि मैं कौन हुआ तो सुनो। और गंगा सिंह गिरोह लेकर के महल के अंदर आया है। पुलिस को फोन कर दो साथियों, लगा साले पे निशाना। अब तुझे सजा मिलेगी, तूने एक गरीब की इज्जत पे डाका डाला है। गंगा, हमने गरीब पर इज्जत की डाका डाला है तो रिश्ते में तेरी मेहरारू लगती है क्या? हवा नहीं गंगा, ऊंची आवाज में बात क्या? तो साले वक्त से पहले गोली मारूंगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा भाई, मैं पुलिस को फोन करूंगा। तूने एक गरीब को सताया है, और सताया इसे को है भवानी। और सताया इसे को है और तुझको मैं जा रहा है। और जिस दिन दोबारा मुलाकात हुई तो वही दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साथियों आओ हमारे साथ और भवानी जय राम जी की। बनाए हो ये हुई के चला गया।
राम सिंह तो पहली बार ठाकुर भवानी सिंह से धोखा हुआ है। मैं तो स्नान करके कपड़े चेंज कर दिया था और रिवाल्वर अपने कमरे में भूल आया था। अरे मंत्री जी, मेरे तो दिल घबरा रहा, न जाने क्या होने वाला है। अब तुम्हारी मौत आई है। अरे नहीं, मौत से मैं बहुत डरती हूँ। पागल हो गई है क्या? ये ठाकुर का रहते हुए डर रही है। तुम चिंता फिक्र मत करो, हम गंगा सिंह और उसके गिरोह को पकड़ कर खिला रहे हैं। राम सिंह, रिवाल्वर उठाओ और गंगा सिंह का पीछा करो सालेगा।